हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इज यू डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मेरी जो तबीयत ख़राब थी अभी बहुत बेटर लग रहा है और खांसी भी बहुत कम हो गया है। एंड अभी जैसे ओमिक्रॉन तो आ गया है ऑलरेडी इंडिया में पूरा, और मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है केसेस, डेली का डेली बढ़ रहा है और डेड केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मुंबई में। पता नहीं लॉकडाउन कभी भी लग सकता है यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज़ सेफ रहिएगा अपने अपने घर में। फिर से लग रहा है वही लाइफ जीना पड़ेगा जैसे कि पिछले साल जनवरी फरवरी में था लाइफ, वैसे ही होने वाला है शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सब जगह में बढ़ रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। बट आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है बिकॉज मेरे जो ब्लॉग है, आज मेरा 50 ब्लॉग होने वाला है, 50 ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। तो 50 ब्लॉग बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज मैं जब चैनल मैंने शुरू किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं 50 तक पहुंच पाऊंगी, बिकॉज मुझे लगा था कि ऐसे 2-4 ब्लॉग डाल दूंगी, उसके बाद अगर कुछ व्यूज सब्सक्राइबर ऐसे कुछ नहीं होगा तो मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं पेशेंस मेरे से बहुत कम है। तो बट पता नहीं कैसे और क्यों मैं इतना 50 तक मैं पहुंच पाई हूँ। आई थिंक आप लोगों की वजह से, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो शायद इसीलिए मैं, मुझे अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करने के। मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा तो मैं बहुत आगे जा पाऊँगी। तो 50 तो आज की स्पेशल ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक फिश थाली, घर पे बनाऊँगी और मैं खुद बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को इनवाइट है हमारे घर आने के लिए और आज का लॉन्च जो है मेरे साथ, हमारे साथ करने के लिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइएगा मेरे साथ लंच करने के लिए। आई नो आप लोग आ नहीं सकते हो, प्लीज़ मेरी वीडियो तो देख सकते हो ना कि मैं क्या क्या बना रही हूँ आज। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो पहले मैं भेज बना लूँगी। भेज में मैंने लिया है बड़ी, जबकि हमारे उड़िया में विंटर में इसको बनाते हैं, विंटर में बहुत ज़्यादा खाते हैं इस बड़ी को। ये तूर दाल में बनता है और मैं इसको थोड़ा सा ऑयल में, ऑयल थोड़ा थोड़ा देके मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हो और प्याज और मिर्ची भी डाल के आप उसको चटनी बना के भी खा सकते हो। और देन उसके बाद मैं बनाऊंगी बैगन का फ्राई। आप देख सकते हो मैंने पतला पतला स्लाइस करके बैगन ले लिया है और उसमें ये सारा मसाला मैं डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। और मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ली हूँ और ऑयल में मैं सारे बैगन को एक साथ ही फ्राई कर दूंगी, क्योंकि पैन बड़ा था और बैगन भी मेरे पास पीसेस 8 पीस था, तो शायद एक बार में मेरा सब कुछ हो गया, बैगन उसमें हो गया, तो एक बार में ही मेरा फ्राई जो था हो गया बैगन। और इसको आप थोड़ा सा कवर देके मैं फ्राई करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। और मेरी बैगन का फ्राई हो चुकी है। देन मैं आऊँगी फिश के ऊपर, और ये रही रूपचंद फिश, जो कि हम उड़िया में पंगासो माछो बोलते हैं इसको, और ये हॉस्टल में बहुत बार खाई हूँ मैं, हॉस्टल टाइम का मुझे याद आ गया, क्योंकि हॉस्टल में ये फिश ज़्यादा खाती हैं, मतलब खा रहे थे हम। और इसको मैं मसाला फ्राई बनाऊंगी, जो कि मैंने पहला लिया है बेसन, क्योंकि मुझे 4 पीस फ्राई करना था तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया है। आप आपके हिसाब से बेसन लेंगे।
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक नींबू। और ये क्लिप मैं भूल गई, मैं इतना थोड़ा सा बिजी था खाने में तो मैं ये क्लिप लेना मैं बहुत भूल गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाकी उसके बाद जो मैंने किया है वो वाला क्लिप मैंने लिया है, आप देख सकते हो आगे। और उसके बाद मैंने यहाँ इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया है और उसको हम थोड़ा सा पानी दे के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हो गई है आप देख सकते हो। उसके बाद हम एक एक करके फिश डाल देंगे और फिश को अच्छे तरह से हम मसाला सब तरफ से मसाला अच्छे से मिला लेंगे और इसको हम 10 मिनट तक उसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट तक। और उसके बाद हम इस फिश को हम फ्राई करेंगे, आप अच्छे से उसको मसाले के साथ मिला देंगे फिश को, तब जाके आपको अच्छे से टेस्ट भी आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मसाले के साथ मछली को अच्छे से मिला दिया है और 10 मिनट होने के बाद मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और पैन में थोड़ा सा तेल भी ले लिया और उसमें मैं एक एक फिश डाल दूँगी। और पैन थोड़ा सा बड़ा था तो मेरा 3 पीस एक बार हो गया। अगर आपका बड़ा पैन है तो आप 3 पीस एक बार डाल सकते हो, नहीं तो आप एक एक करके भी डाल सकते हो, लेकिन कवर दे के ज़रूर फ्राई करना क्योंकि कवर देने के वजह से आपका फिश अंदर से और बाहर से बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। एंड 5 मिनट के बाद कवर खोल देना और आप देख सकते हो मेरा नीचे वाला जो है बहुत अच्छे से हो गया है और मैंने उसको थोड़ा सा एक्सचेंज करके ऊपर हिस्से का मैंने रख दिया है नीचे। और ये रही मेरी फिश फ्राई, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हो गया है फिश। तो गरम गरम हुआ था फिश फ्राई तो हस्बैंड ने बोले कि मुझे एक फिश खाना है, अभी गरम गरम हुआ है फ्राई तो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ फिश फ्राई। और कैसा लग रहा है? अंदर से हुआ है ना ठीक से? अच्छा डिशेस का फीस है ना, बहुत अच्छा रहता है। नमक मसाला सब ठीक है? पूरा बराबर है सर, परफेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिया है कॉलीफ्लावर ड्रमस्टिक और आलू, मैं इसको ग्रेवी बनाऊंगी जो कि फिश ग्रेवी बनाऊंगी इसमें। और उसमें डालूंगी मैं रूहू फिश, आप देख सकते हो यहाँ पे रूहू फिश मैंने लिया है। और इसको मैं नॉर्मल जैसे नमक हल्दी पाउडर डाल के फ्राई करते हैं, मैं नॉर्मल फ्राई कर लूँगी क्योंकि मुझे इसको ग्रेवी बनाना है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है और हल्दी पाउडर ले लूँगी और उसको मिला के अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और मैंने एक तरफ से फिश फ्राई होने के लिए बैठा दिया है और दूसरी तरफ मैंने और एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल दे दिया है और उसमें ये वाला मैंने जो वेजिटेबल्स रखा था कट के उसको मैं फ्राई कर लूँगी नमक और हल्दी डाल के। और ये मेरा वेजिटेबल्स देख सकते हो बहुत अच्छे से हो गया है। आप ऐसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना फिश वाला ग्रेवी। और उसके बाद मैं उसको तड़का लगाऊंगी मसाला डाल के। तो मैंने उसी कढ़ाई में तेल ले लिया है और मैं मस्टर्ड ऑयल में उसको उसका ग्रेवी बनाऊंगी। और उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा काला जीरा जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया है, प्याज को मैं अच्छे से पका दूँगी रेड होने तक। प्याज हो गया है आप देख सकते हो बहुत अच्छे से रेड हो गया है। और उसके बाद मैंने गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच। और उसके बाद मैंने एक कटोरी लिया है, उसमें सारे मसाला डाल दूंगी जो कि ग्रेवी में पड़ता है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। और थोड़ा सा पानी देके मैं उसको मिक्स कर दूंगी और उसी मसाले को मैं जो मेरा ग्रेवी में डाल दूंगी और उसको मैं 5 मिनट तक अच्छे से
पकाने दूंगी। और आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप थोड़ा सा जो मिर्ची है जो ग्रीन मिर्ची है आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। और ये देखो मेरा मसाला बहुत अच्छे से हो गया है। उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स फ्राई करके रखा था उसमें डाल दूंगी और 2 मिनट तक उसको मैं पकाने दूंगी बहुत अच्छी तरह से। और उसके बाद मुझे ये ग्रेवी रखना था, राइस के साथ खाना था तो उसके लिए मैंने पानी डाल दिया है। और मैंने मसाले में टमाटर नहीं डाला था क्योंकि मुझे अभी टमाटर डालना था, तो इसलिए मैं अभी टमाटर डाल रही हूँ। और आपको कवर भी दे देना है जिससे आपका टमाटर भी अच्छे से हो जाएगा और एक उबाल आ जाएगा। उबाल आ जाने के बाद आपको फिश डालना है, तब जाके आपका जो ये वाला ग्रेवी वाला करी है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप एक बार ऐसे ट्राई करना, टमाटर इसमें डाल के ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा खाने के लिए। और ये हो गया फिश करी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया का पत्ता, इसको डाल के मैं गैस अप कर दूंगी और मैं ढक्कन लगा दूंगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो मैं फाइनल आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाई हूँ मैं, राइस और सलाद, और ये रही फिश फ्राई, और ये करी, और ये रही बड़ी जो फ्राई, और ये है बैगन फ्राई। तो ये है मेरी आज का लंच। आई होप आपको जो मैंने आज रेसिपी बनाई है आपको अच्छा लगा होगा, तो आप भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना ये वाला जो फिश रेसिपी आज जो मैं 2 टाइप का बनाई हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करना घर पे और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ और एक ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।